Assalamualaikum. Hi guys, welcome to my channel. In today's video, I'm going to tell you how I started my skincare business. I started my skincare business recently. I love doing makeup and skincare. I really wanted to open a makeup business, but makeup में क्या होता है कि आप makeup खुद बना नहीं सकते, आपको manufacture वगैरह चाहिए होता है, तो मुझे नहीं पता ये कैसे करना होता है. सो स्किन केयर में क्या है कि आई लव डूइंग स्किन केयर. अगर आप मेरे यूट्यूब से आए हो, अगर आप मेरी यूट्यूब की वीडियोस देखोगे, मेरा चैनल भरा पड़ा है स्किन केयर वीडियोस पर. आई लव डूइंग स्किन केयर और मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया भी है. मैं नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ और ख़ुद बनाती रहती हूँ. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ भी अपनी सीक्रेट रेसिपी शेयर कर लूँ. सो मैंने फर्स्ट जो प्रोडक्ट निकाला है, इट्स अ फेस मास्क. सो आई लाइक मेकिंग माई ओन फेस मास्क. अगर आप मेरी स्किन केयर वीडियोज़ देखोगे तो मैं बाकी सारी चीज़ें मार्केट वाली यूज़ करती हूँ, बट जो फेस मास्क होता है वो मैं मोस्टली खुद बनाकर यूज़ करती हूँ. सो फेस मास्क मैंने क्यों निकाला है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट फेस मास्क एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस फेस मास्क फॉर द लास्ट 3 years. यस गाइस, 2019 में मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी थी. एक्नी स्कार्स थे, ब्लैक हेड्स थे, ओपन पोर्स थे, माय स्किन वाज अनइवन एंड बहुत ज़्यादा इशू थे मुझे. सो बैक देन आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू स्टार्ट डूइंग स्किन केयर. सो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखना शुरू किया, मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि स्किन केयर होता क्या है. मुझे पहले कोई आइडिया नहीं था. सो आई स्टार्टेड विद होममेड स्किन केयर. मैंने क्लिंजर, स्क्रब, मास्क खुद घर पे बनाती थी और स्किन केयर करती रही. उसके बाद आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन मार्केट वाले स्किन केयर के प्रोडक्ट्स. सो गाइस, मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा एक्नी थी. मैंने ये पर्टिकुलर मास्क ट्राई करना शुरू किया एंड इट हेल्प मी क्लियर माई एक्नी. सो रिजल्ट मुझे विद इन मंथ्स नज़र आने लग गए थे, बट मेरा फेस क्लियर हो गया था आफ्टर 1 year. सो यस गाइस, तो मैंने सोचा कि इस मास्क ने मेरी इतनी हेल्प की है, मैंने अपनी ड्रीम स्किन अचीव कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी ये शेयर किया जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी तक एक्नी का, हाइपर पिगमेंटेशन, विंकल्स, एक्नी स्कार्स, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब का बहुत ज़्यादा इशू है और आप लोगों को सोल्यूशन नहीं मिल रहा. तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी ये सीक्रेट रेसिपी शेयर की जाए. सो अभी तो ये पहला प्रोडक्ट है जो मैंने लॉन्च किया है. इसके बाद आई एम गोइंग टू लॉन्च माई लिप स्क्रब्स एंड लिप बाम. अगर आप सबको पता है कि आई ऑलरेडी हैव अ स्मॉल बिजनेस विच इज़ RM कलेक्शन, मैं उसमें अपने लिप बाम और लिप स्क्रब बेचती हूँ एंड मैं उनको खुद ही बनाती हूँ, तो वो भी मैं इस पेज में लॉन्च करने वाली हूँ. एंड अगर मुझे इस पेज पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इंशाल्लाह, मैंने काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की हुई है, बहुत अमेजिंग मार्क्स आते रहेंगे. ना सिर्फ मार्क्स बट इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि मैं और भी डिफरेंट चीज़ें लॉन्च करती रहूँ. सो गाइज, आई नीड योर लव, आई नीड योर सपोर्ट. मेक श्योर यू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, येस यू कैन ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी इज़ अवेलेबल. सो गाइज, मैंने इस मार्क्स का नाम रखा है ब्राइटनिंग टर्मिक फेस मास्क. इसका मैंने ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो काफ़ी अरसे से यूज़ होते आ रहे हैं. अगर आप अपनी नानी से पूछो, दादी से पूछो, तो उनको पता होगा कि हल्दी के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसको अपनी स्किन के रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए. एक्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, ना सिर्फ एक्नी, एक्नी स्कार्स, हाइपर पिगमेंटेशन, विंकल्स एंड मच मोर. इसके अलावा इसके अंदर बेसन भी है, इसके अंदर चावल का आटा भी है. सो इन तीनों की गुडनेस से बना है ये मास्क. ये मास्क आप अपने फेस, हैंड, नेक, होल बॉडी पर लगा सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अपने फेस पे लगाओ. इसके अलावा इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप एंड येस, टीनेजर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं. सो जिनकी ऑयली स्किन है वो इस पाउडर का 1 teaspoon ले और इसको मिक्स करे विद रोज़ वाटर. ऑयली स्किन के लिए रोज़ वाटर बेस्ट होता है. जिनकी ड्राई स्किन है वो इस पाउडर का 1 teaspoon ले और इसमें ऐड करे मिल्क. ड्राई स्किन के लिए मिल्क बहुत अच्छा होता है. और जिनकी नॉर्मल स्किन है वो इसमें ऐड करें योगर्ट. इसके अलावा आप पानी भी यूज़ कर सकते हो एंड एलोवेरा जेल, हनी, कुछ भी यूज़ कर सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो रिजल्ट्स आने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा. अगर आप चाहते हो आपको अच्छे रिजल्ट्स नज़र आए तो इसको लगातार 3 to 4 months यूज़ करते रहो. इसको हफ्ते में लगाना है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन. मास्क लगाने से पहले मेक श्योर आप क्लिंजिंग एंड एक्सफोलिएटिंग करो, उसके बाद मास्क लगाओ. मास्क उतारने के बाद टोनर, सीरम एंड मॉइस्चराइजर लगाओ. सो ये होती है प्रॉपर वीकली स्किन के रूटीन.
वीकली स्किन केयर रूटीन पे मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। सो गाइस, ये सारी बातें हो गई इस मार्क्स पर। गाइस, अब बात कर लेते हैं कि हाउ आई एक्चुअली स्टार्टेड दिस बिजनेस। सो सबसे पहले मैंने नाम डिसाइड किया कि मैंने इसको क्या नाम देना है, और मेक श्योर जब भी आप नाम सेलेक्ट करो तो वो यूनिक होना चाहिए, वो किसी ने पहले लिया ना हो। सो मैंने नाम सेलेक्ट किया RM Organics। मेरा स्मॉल बिजनेस है RM Collection, उसी से मैंने नाम निकाला है RM Organics। Organics मैंने इसे लगाया है क्योंकि आई एम गोइंग टू सेल ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ताकि जो आप सेल करो और आपके बिजनेस का नाम लिंक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने लोगो बना लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने बेचना क्या है। सो सबसे पहली मेरी चीज़ थी मार्क्स, उसके लिए मैंने ये डब्बे ढूंढे फ्रॉम दराज। आपको दराज से ईजली डिफरेंट साइज़ के डब्बे मिल जाएंगे। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, इसके अंदर 300 ml प्रोडक्ट आता है। इट्स क्वाइट अफोर्डेबल, आपको 200 की प्राइस में 4 डब्बे मिल जाएंगे। प्लास्टिक है, क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। डब्बे सेलेक्ट करने के बाद मैंने फेस पैक का नाम सोचा और थीम सोचा कि इसकी पैकेजिंग का क्या थीम होना चाहिए, और उसके बाद मैंने अपनी पैकेजिंग पे काम करना स्टार्ट किया। सो गाइज, आई एम डूइंग बैचलर्स इन मीडिया स्टडीज़, और लास्ट सेमेस्टर में ही मैंने पढ़ा है PR एंड एडवर्टाइजिंग, जिसमें हमने सीखा है लोगो कैसे बनाना है, पैकेजिंग कैसे करनी है, तो मुझे ये सब आता था पहले से ही। सो इट वॉज़ क्वाइट ईजी फॉर मी। इसके बाद मैंने इन सबको पेस्ट कर दिया वर्ड पर, वर्ड पे साइज़ भी ले लिया था, और फिर मैंने इनको प्रिंट आउट निकाली। एक मैंने ये भी प्रिंट आउट निकाला है, ये हर कस्टमर को मिलेगा। इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कैसे यूज़ करना है, इसके बेनिफिट्स भी लिखे हैं। सो जब आप एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है, आप हर चीज़ खुशी से करते हो और खुद ही करते हो, और बहुत मज़ा भी आता है इसमें। एंड गाइस, जब हमें पहला ऑर्डर मिलता है ना, उसकी खुशी इतनी ज़्यादा होती है ना। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल पैकेजिंग। आई एम लविंग इट, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो मैंने लगाया है साइड पे लोगो हमारा, और यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है फेस पैक का। बैक साइड पे मैंने बेनिफिट्स, डायरेक्शन और इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं, और ऊपर कैप पे मैंने लोगो नहीं लगाना था। आई वॉन्टेड समथिंग डिफरेंट, तो मैंने कैप्शन लगा दिया है विच इज़ फेस मास्क एंड चिल। So now it's time for the photo shoot. Guys, if you are starting a small business, मैं आपको यही recommend करूँगी कि आप अपने product की pictures खुद ही लिया करो, and अपने page को प्यारा unique बनाओ। So my sister and I take the photos, videos भी बना ली ताकि मैं YouTube पे shorts पे लगा लूँ और Instagram की reels में लगा लूँ। और इसके बाद मैंने बनाया अपना इंस्टाग्राम पेज, पेज पे लोगो लगाया, बायो वगैरह सारी लिख दी। उसके बाद मैंने रील्स और फोटो को एडिट करना स्टार्ट किया, एंड फिर मैंने पोस्ट करना भी शुरू कर दिया। सो गाइस, दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माय स्मॉल बिजनेस। सब मैंने खुद किया है, और अगर आप भी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, हर एक स्टेप को इन्जॉय करो, खुद करो, टेंशन ना लो, इंशाल्लाह ऑर्डर्स मिल जाएंगे। सो या गाइस, एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि जब मैंने सोचा कि मैंने अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले मैंने ट्रैक्स पे COD अकाउंट ओपन किया, अकाउंट के लिए अप्लाई कर दिया था मैंने। विद इन 1-2 वीक्स अकाउंट बन जाता है। सो जब मैंने अपने अकाउंट के लिए अप्लाई कर दिया था, उसके बाद मैंने सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और जब मेरा अकाउंट बन गया उसके बाद मैंने ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर दिया। सो अगर आप कोई अच्छी कोरियर कंपनी ढूंढ रहे हो, तो आई कैन से ट्रैक्स इज़ नॉट बैड, बट इट्स नॉट द बेस्ट। येस, इट्स द चीपेस्ट। सो मैंने सिर्फ ट्रैक्स वालों के साथ ही काम किया हुआ है,
जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा एक और स्मॉल बिजनेस है RM कलेक्शन, उस बिज़नेस के लिए भी मैंने ट्रैक्स के साथ अकाउंट खोला हुआ है। सो मैंने कभी TCS, लेपर्ड इन सब को ट्राई नहीं किया, मुझे नहीं पता ये कैसे हैं। ट्रैक्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस बस ठीक ठाक रहा है, हमेशा मुझे प्रॉब्लम हुई है डिलीवरी में, मुझे राइडर नहीं मिलता था। पहले भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई थी और इस बार भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई है कि मुझे राइडर असाइन ही नहीं करते ये लोग। इन्होंने ना एडमिन का नंबर दिया होता है तो मैं उसको रोज़ मैसेज करती हूँ, फ़ोन करती हूँ, फ़ोन तो वो उठाती नहीं है और मैसेज वो काफ़ी घंटों बाद सीन करती है और रिप्लाई करने में भी बहुत टाइम लगा देती है। इसके अलावा जो ट्रैक्स की वेबसाइट है, इनकी जो पिकअप नंबर है, मैं सब पे कॉल की है, मैंने 3-4 दिन कॉल लगातार करती हूँ, किसी ने भी फ़ोन पिक नहीं किया। मुझे नहीं पता ये लोग नंबर दे देते हैं, नंबर देने का फ़ायदा ही क्या जब आपने कॉल ही नहीं पिक करनी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर फाइनली एडमिन का मैसेज आ गया कि मैंने आपकी कंप्लेन को भेज दिया है आगे, आपको इंशाल्लाह आज ही राइडर मिल जाएगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे राइडर मिल गया था। सो या बाकी एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल ठीक रहा है, पेमेंट भी टाइम पे आ जाती है और डिलीवरी भी टाइम पे हो जाती है। सिर्फ मुझे राइडर तंग करता है क्योंकि राइडर मुझे पहले साइन नहीं हुआ था, अब मुझे हो गया है, मेरे पास उसका नंबर भी है, तो जब भी मुझे ऑर्डर आता है मैं राइडर को फ़ोन कर लेती हूँ, वो आके घर से पिक कर लेता है। सो यस गाइस, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना इट्स नॉट ईजी और इसको ग्रो करना भी ईजी नहीं है, टाइम लगेगा, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ अगर आप भी स्टार्ट करो तो फुल मेहनत करो, मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आपको मेहनत का रंग भी मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ, जैसे आपको बताया मैंने इंस्टाग्राम पे अपना पेज ओपन किया है, तो फिर मैं जब पोस्ट लगाती हूँ तो मैं उनको बूस्ट भी करती हूँ, विच मीन मैं ऐड लगाती हूँ, मैं अपनी पोस्ट को प्रमोशन करती हूँ बाय पेइंग इंस्टाग्राम। इससे मुझे ऑर्डर्स भी मिलते हैं, मुझे फॉलोअर्स भी मिलते हैं। इसके अलावा मैं यूट्यूब पर शॉर्ट्स लगाती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर रील्स भी लगाती हूँ, उससे भी आपको फॉलोअर्स मिल जाते हैं। आपको पता है ये दोनों चीज़ें काफ़ी ट्रेंडिंग है आजकल, तो आप इनको भी यूटिलाइज़ करो। एंड गाइस, अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो मैंने कार्डबोर्ड बॉक्सेस तराज से ऑर्डर किए हैं और मैं उसी में पैक करके देती हूँ, एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगर आपने चेक करना हो। इसके अलावा मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी हाउ आई पैक माई ऑर्डर्स, सो आप वो भी चेक करना। एंड दैट्स इट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड लव। अल्लाह हाफिज़।